भगवान विश्राम करते हैं, पट जब बंद होते हैं, तो मेरे नारायण के हृदय से बाहर जो लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ से लक्ष्मी जी को लाकर हृदय से लगाया जाता है, और भगवान को एक कम्बल पूरा घी में उसको लपेट कर, पूरे घृत में उसको लगाकर, गौ माता के घृत में उसको लगाकर, नारायण को भगवान शिव का स्मरण कर लपेटा जाता है। भगवान नारायण बद्रीनाथ बाबा के मंदिर में दिया घी से भर दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं, सब नीचे आ जाते हैं। जब अक्षय तृतीया के समय पर पट खोलते हैं, बाबा का कम्बल घृत से जुड़ा हुआ, वैसा कि वैसे ही घृत भरा हुआ, घृत में स्थिरता है, घर में घृत के अंदर लक्ष्मी का भाव आ जाता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत सुंदर बात कही जाती थी पहले, आजकल जमाने में कहते कि नहीं कहते मालूम नहीं, पर मारवाड़ के अंदर एक रीति थी, घर के अंदर रसोई घर में एक इतनी बड़ी कुल्लड़ होती थी जिसमें घी भरा होता था, छोटी सी चम्मच होती थी, उसमें पूरे घर का घी खाली हो जाए, पर उस कुल्लड़ का घी खाली नहीं होना चाहिए। नानी भाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? अगर नानी भाई का मायरा सुना होगा तो नानी भाई के मायरे में नरसिंह मेहता जी की जो दादी के प्राण छूटे थे वो केवल इसी बात पे छूटे थे, अगर नानी भाई का मायरा सुना होगा तो आपको मालूम होगा। नानी भाई के मायरे में जब नरसिंह मेहता भोजन करने के लिए बैठे तो नरसिंह मेहता की भाभी दुरत गौरी ने कह दिया दादी के सामने, जब दादी बोली क्यों इसकी रोटी में घी नहीं लगा, तो कहा कुल्लड़ का घी समाप्त तो हो गया, रसोई घर में जो बाटकी रखी थी उसका घी समाप्त तो हो गया। जय कुंवर भाई को चिंता लग गई, आंखों से अश्रु बहने लगे, और जय कुंवर भाई नरसिंह मेहता की दादी प्राणों को छोड़ दी कि मेरे रसोई घर का घी समाप्त तो हो गया, मतलब यह घर अब बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी। नानी भाई का मायरा कहता दादी के प्राण छूट गए थे, नैनों से नीर बह रहा था, केवल जरा सा संवाद। शास्त्र कहता है घर के रसोई घर में जिस बाटकी से आप रोटी पर घी लगाते उसकी बाटकी में भले आधा चम्मच घी पड़ा पर पड़े रहना चाहिए, क्यों? वो लक्ष्मी को घटने नहीं देता। जिस दिन बाटकी मंज जाए, साफ हो जाए, उस दिन उसी दिन उसको धोकर पोछकर वापस भर देना चाहिए। अगर बाटकी गंदी हो गई तो आप धो पोछो, मना नहीं है, पर उसको धोने पोने पोछने से पहले कटोरी में घी भर दो, चम्मच रख दो, पर रसोई घर में बाटकी में घी होना चाहिए, और उसमें आप डालते रहो और लगाते रहो रोटी में चलेगा, पर बाटकी का घी समाप्त नहीं होना चाहिए, कुल्लड़ का घी समाप्त नहीं होना चाहिए, वो बरकत है, वो भंडार है, वो संपदा है हमारी, घृत वैभव देता है, घृत वैभव प्रदान। घृत वैभवता देता, कितना सुंदर कहा है, शंकर भगवान के शिवलिंग पर घृत चढ़ाने के बाद आपने दही चढ़ाया शिव जी को, ठीक है, आपने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, दही चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाया, जो भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो उसमें से केवल एक पदार्थ, एक वस्तु घी शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में उसी शिवलिंग का घृत जहां शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग जहां रखा रहता है उस कटी पर उस घृत से हस्त फेर देना चाहिए, अपनी मनोकामना कर जो अभिषेक आपने किया है वो अभिषेक का फल भगवान भोलेनाथ कुछ ही दिन में प्रदान कर देते हैं, मात्र उंगली फेर देने पर, घृत पात्र की उंगली, घृत का जो आप अभिषेक कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, आप पंचामृत सामग्री समर्पित कर रहे हो, आप दुनिया की सारी वस्तु भगवान को दे रहे हो, तो घी चढ़ाते समय जब घी चढ़ जाए, शंकर के शिवलिंग पर घी चढ़ गया, उसकी एक उंगली लेकर शिव मंदिर में जहां शंकर जी पिंडी पर बैठे हैं उस जलाधारी पर जो शिवलिंग रखा हुआ है उसके चारों तरफ उस घृत को लगा देना चाहिए, अपनी कामना कर महाराज शिव उसको स्वीकार करता, क्यों? शंकर और पार्वती के मिलन स्थल, माता पार्वती की गोद में भगवान शंकर का जो शिवलिंग स्वरूप विराजमान है, हस्त कमल के अंतर्गत जो भगवान विराजमान है, उसका फल चोगना मिल जाए। शक्तिपीठ नाम सुना है? अरे बोलो तो, जितने लोग कथा सुन रहे शक्तिपीठ नाम सुना है? शक्तिपीठ का मतलब क्या होता है? जहां पर माता सती के अंग के टुकड़े होकर गिर पड़े वो शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। तो जितनी भी शक्ति पीठ होती है
उन शक्तिपीठ में आप लड्डू चढ़ाएं, पेड़ा चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, आभूषण चढ़ाएं, सोना चढ़ाएं, चांदी चढ़ाएं, मुद्रा चढ़ाएं, आपकी मर्जी पड़े करोड़ों रुपए चढ़ाएं, मना नहीं है, पर शक्तिपीठ का दर्शन करने जब जाएं तो कम से कम थोड़ा साथ में गाय का घृत असली घी साथ में लेकर अवश्य जाएं। क्यों? शक्तिपीठ पर भी घी समर्पित करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप आएंगे शक्तिपीठ का दर्शन करके और मनोकामना पूर्ण होना है मात्र शक्तिपीठ। आप चढ़ाएं वस्तु ढेर चढ़ाएं, आप सोना चांदी अंबार अंबारियों में धन दौलत सब चढ़ाएं, पर साथ में आप चुनरी चढ़ा रहे हैं, साड़ी चढ़ाएं, घृत भी दीजिए, घृत भी प्रदान। घृत का दान मूल है। तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया, भगवान शिव उखड़ दयालु, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, माँ गौरा के घर वाले, माँ गौरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, माँ गौरा के घर वाले, माँ गौरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों।